हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है सर। हाल तो बड़े बुरे हैं, बेहाल है। बताइए क्या करें हम। अभी हम लोगों का सीए इंटर नवंबर 23 का एग्जाम था और अनफॉर्चुनेटली हम क्लियर नहीं कर सके। तो हमको प्रॉब्लम ये है कि मई 2024 में नया सिलेबस आ गया है और हमें ये नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट में कितने चेंजेस है, क्या हमको नई किताबें लेनी चाहिए, क्या हमको नए लेक्चर्स लेने चाहिए, कुछ भी नहीं पता सर। थोड़ा सा गाइड कर दो। तो मैं आपको इस वीडियो में वो करने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो अंत तक अंत तक आपको शांति से इस वीडियो को सुनना पड़ेगा और मेरी बात ध्यान से मन लगा के सुनोगे तभी समझ आएगा सर। इस वीडियो में मैं सिर्फ इंटरलॉ की बात करने वाला हूँ और इंटरलॉ में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग ट्रांजिशन किस तरीके से करोगे। बताने के लिए मेरे को आपको सबसे पहले शुरू करना पड़ेगा ये बता करके कि आपके न्यू सिलेबस में चेंजेस कम है कि मेजर है। दोस्तों इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट इट, बट दीज आर द चेंजेस। सबसे पहले खुशखबरी ये है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो हट चुका है, ये जो दोनों बड़े बड़े एक्ट थे जो कहीं ना कहीं आपके पिछले अटेम्प्ट तक दर्द थे, वो दोनों हट चुका है। पर इनके सामने एक नया एक्ट आया है जो आप लोगों का फेमा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। उसके अलावा आप देखोगे तो आपका एलएलपी एक्ट जो फाउंडेशन में हुआ करता था, वो फाउंडेशन का एलएलपी एक्ट यहाँ पे आया है, बट इट इज नॉट एज सिंपल एज इट वॉज इन योर फाउंडेशन। हाँ एक तो था, फिर भी तुम लोगों ने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा, पर फिर भी उसके अलावा भी यहाँ पे एलएलपी एक्ट जो है वो बहुत वास्ट है, इसका वेटेज ज्यादा है और इसका कवरेज भी बहुत ज्यादा है। तो हम लोगों को एलएलपी एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा और कंपनीज में फॉरेन कंपनी भी पढ़ना पड़ेगा, विच इज बेसिकली कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के नाम से है। उसके अलावा ये तो पूरे के पूरे चैप्टर का एडिशन और रिमूवल था, लेकिन इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे केस लॉस, इन्होंने बहुत सारे सेक्शंस ऐड किए हैं कुछ चैप्टर्स में, कुछ बीच बीच के सेक्शंस इन्होंने ऐड किए हैं, बहुत सारे फॉर्म नंबर्स इन्होंने ऐड किए हैं, जिसके वजह से जैसे कि आपके चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में, चैप्टर 6 में, हर चैप्टर में चेंजेस हुए, कहीं कम कहीं बहुत ज्यादा। तो सर अब इससे इतनी तो क्लैरिटी मेरे को मिल जाती है, इतनी तो डेफिनेटली क्लैरिटी मिल जाती है, जो भी अल्टीमेट सोल्यूशन की बुक है आपके पास वो साइड में रख दो और आपको मैं नई किताब पहुंचा दूंगा। आप लोग जो है यू कैन गो एंड ऑर्डर फॉर द न्यू बुक्स। इफ यू वॉन्ट ओनली बुक्स, यू शुड गो एंड ग्रैब द न्यू बुक्स बिकॉज दैट इज वॉट यू आर एब्सोल्यूटली गोइंग टू नीड। उसमें जो नई किताब है उसमें मैं आपको बता दूं, एलएलपी एक्ट जो है उसको मैं और थोड़ा समराइज कर रहा हूं, तो मैंने उसको इस बार की समरी से हटा दिया है। मैं आपको कुछ दिनों के अंदर, 15 दिन के अंदर मैं उसकी पीडीएफ कॉपी अवेलेबल करवा दूंगा। मुश्किल से 6 से 8 पेज या 10 पेज का रहेगा, प्रिंट आउट करा लेना, 15 से 20 रुपए लगेंगे। ठीक है, ये समझ गए आप। तो बुक्स तो जरूरत है सर, क्योंकि नई किताब की जरूरत है। और अच्छी बात यह है कि नए बुक और नए क्वेश्चन बैंक की सबसे बड़ी फायदा आपको दिखाता हूं मैं कि सर आप अगर किताब देखेंगे ना, तो इस बार मैंने और अच्छी चीज की है किताब में कि इसको पूरी डिजाइन तो थी ही अपनी किताब, इसके अलावा सारे छोटे छोटे एरर्स जो भी थे सारे क्लीन अप हो गए, नए कोर्स के सारे सिलेबस इसमें ऐड हो गए। और इस बार मैंने एक नई चीज करी है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर्स मार्क करना शुरू किया है। जैसे आप सेक्शन 102 देखेंगे तो उसके बाजू में 9 और 32 का रेफरेंस है, जिससे आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 और 22 आपके लिए रेलिवेंट है। और इसके साथ जो क्वेश्चन बैंक आपको आएगा वो फुल्ली अपडेटेड है, नवंबर 23 के पेपर के अलावा उसके पहले तक आरटीपी एमटीपी सब अलॉन्ग विद आंसर सब कुछ उसमें दिया हुआ है। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर ये आप समझ गए हो तो ये आप लोगों के चेंजेस के बारे में है। बताते हैं सर किस तरीके से हम अपने लेक्चर्स का क्या करें, हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का क्या और इन लेक्चर्स का क्या। दोस्तों वो समझने के लिए ना सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है जो आपके लॉ में आपके पास है। दोस्तों हमने पिछले अटेम्प्ट के सुपर 50 बनाया, सुपर 100 बनाया, आपकी और मेरी किस्मत अच्छी थी करके वो चीजें पेपर में आ गई। पर अगर इंस्टीट्यूट अभी जो नया सिलेबस लाने वाला है उसमें इंस्टीट्यूट ये सारे मजाक नहीं करेगा आपके साथ, इंस्टीट्यूट विल ट्राई टू ब्रिंग अ न्यू फॉर्मेट प्रोबेबली ऑफ इट्स क्वेश्चंस। इट मे बी वेरी सरप्राइजिंग और इट मे बी वेरी शॉकिंग, ऑल वी डोंट नो इट राइट। सो दिस टाइम ओनली दो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम इफ दे हैव कवर्ड द होल सब्जेक्ट विद 100% ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर कहीं भी उन्होंने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में ढील छोड़ी है वो पेपर उसको सता के जाएगा, चाहे वो कोई भी पेपर क्या क्यों ना हो, ये आप अपने दिमाग में रख लो। तो दोस्तों अब सवाल ये बनता है कि अगर आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, व्हेन व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आज अगर आप सेक्शन नंबर 66 रिडक्शन इन शेयर कैपिटल खोल के देखेंगे क्या आपको समझ में आ रहा है कि असल में क्या हो रहा है। अगर आप सेक्शन 61 ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल देखेंगे क्या आपको एक्चुअल में समझ रहा है कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। और उसके बाद जाके आप मेरे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे तो क्या आपको क्वेश्चन में कंफर्ट आ रहा है। दैट इज व्हाट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज, वी हैव टू रीच अ पॉइंट वेयर इन वी आर एबल टू अचीव दैट लेवल ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो दोस्तों उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा अगर क्लैरिटी है तो क्या करना होगा, पहले मैं बात करता हूं अगर नहीं है तो क्या। सर अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप लोगों के पास मैंने 3 ऑप्शन दिए थे कि या तो आप रेगुलर क्लासेस देख सकते हो जो करीबन 150 घंटे का है,
या फिर आप एग्जाम ओरिएंटेड देख सकते हो जो 80 घंटे का है, या फिर आप सेल्फ कर सकते हो जिसमें आप मेरे बुक्स ले लोगे और मेरे रैपिड रिविजन का वेट करोगे। सर ये रैपिड रिविजन कब आएगा? ये रैपिड रिविजन का अभी टाइम नहीं है, वैसे भी आप लोगों का एग्जाम थोड़ा सा डिफर होने वाला है, मई से थोड़ा सा खिसकेगा आगे, तो आप लोगों का रैपिड रिविजन आएगा करीबन मार्च के महीने में। उसके पहले दे करके मैं आपका फायदा नहीं करने वाला, नुकसान करने वाला हूँ, क्योंकि रिविजन का मतलब होता है पढ़ लिया अब रिवाइज करूंगा। आप पढ़ने के लिए रिविजन को जनरली यूज नहीं करते, पर जो मेरे पुराने रिविजन है वो आप जरूर जरूर यूज करके उसको आप अपना उसको यूज करके आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। पर दोस्तों इफ आई वर स्टूडेंट आई वुड नॉट से यू नॉट टू डू दिस इफ यू लैक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इफ यू लैक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन उनके लिए सॉर्टेड है जिनका 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, पर हमारे लिए ये सही नहीं है। तो अब सर हम ईओ बैच लें कि रेगुलर बैच लें, दोनों में क्या डिफरेंस है? मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि रेगुलर बैच में ना जो क्लास में हम राइटिंग करते हैं, जो नोट्स राइटिंग होती है, वो रेगुलर बैच में ज्यादा होती है। पर आप ईओ बैच भी लेकर के ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज उसमें 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। और बताऊं मैं आपको, ईओ बैच में मैं आपको जो आपका फेमा जैसा बड़ा चैप्टर हो गया जो थोड़ा टेक्निकल है, उसको बिल्कुल भी फास्ट ट्रैक मोड या स्पीड मोड में नहीं पढ़ाऊंगा, वो पूरा रेगुलर बैच का ही कंटेंट आपको इसमें मिलेगा, ताकि आपको कहीं पे भी ऐसा डिस्कम्फर्ट ना आए। बिकॉज ईओ वाले बच्चे भी मेरे उतने ही बच्चे जितने रेगुलर है, बस समय का फर्क इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे सर 2 बार 3 बार समझाया जाता है, क्योंकि आप समझो ना रेगुलर बैच उन बच्चों के लिए होता है जो पहली बार अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ने वाले हो तो आपने रेगुलर लेना चाहिए, पर एक बार अगर आप लॉ पढ़ चुके हो तो जरूर एग्जाम ओरिएंटेड लेना चाहिए, और एग्जाम ओरिएंटेड से आई गारंटी वो 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इनफैक्ट ये बैच लाइव है, ये बैच लाइव है, तो लाइव बैच में अगर आप अभी जाकर के रजिस्टर करेंगे तो लाइव बैच में मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप अभी जाकर के रजिस्टर करेंगे तो आपको 11 जनवरी से लाइव एडमिशन भी मिल जाएगा। आपको सुबह 10 से 12:30 बजे तक लाइव बैठना है, और अभी बहुत सिलेबस बाकी है, अभी तो शुरू के 5 चैप्टर हुए, बस आगे के 6 7 8 चैप्टर बचे हैं, तो बहुत सिलेबस बाकी है। लाइव डिसिप्लिन मैनर में आपका खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा सीए इंटर का लॉ, ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। पर दोस्तों अगर आप बात करना चाहो, 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है सर हमारे पास ऑलरेडी, हमको बस क्या है पहले पढ़ा हुआ है, हमको कोई क्लासेस की जरूरत नहीं है, हमको बस आपका सपोर्ट चाहिए नए आपको नए कोर्स में चेंज करने के लिए। तो दोस्तों देखो जो चैप्टर में बीच बीच में एडिशन हुआ है ना, उसमें तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि मैं आपको नए नोट्स अवेलेबल करवाऊंगा, आप परचेज कर सकते हैं, वो नए नोट्स में आपको वो चेंजेस मिल जाएंगे। पर दोस्तों अगर आपका 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो ये आप अगर प्रेफर कर रहे हैं तो यू विल हैव टू वेट फॉर द रैपिड रिविजन which will come in the month of March, but it will be justified enough कि मार्च अप्रैल मई में मिल करके तो प्यार से पढ़ लो उसको, क्योंकि पूरा खत्म हो जाएगा। पर अगर आप भी कंसिडर करें तो आप ईओ बैच लेकर के चैप्टर्स एलएलपी वगैरह नए हैं पूरा देख लीजिए, और जो चैप्टर पुराने हैं जिसमें कोई चैप्टर्स में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मान लो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा सा पोर्शन देख लेना। सर पर हम तो लेना चाहते हैं पर सर प्राइसेस बहुत हाई है। अगर आप एक रिपीटर हो ना राजा, तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच में मैंने आपके लिए 3 दिन का ऑफर लाया है, आप 9 जनवरी से 11 जनवरी तक जा करके ये ऑफर अवेल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाइए, आप रजिस्टर कीजिए, और रजिस्टर करते ही आपको 15% का ऑफर है वहां पे, उसमें आप 3 दिन के अंदर ले लीजिए और 11 से लाइव ज्वाइन कर लीजिए। जितना जल्दी आप रजिस्टर करेंगे उतनी जल्दी मैं आपको बुक्स पहुंचा दूंगा। सर आप तो अपनी क्लास बेच रहे हो। नहीं राजा मेरे को पता है ना, ये 4,000 तुम जो दे रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके सामने तुमको क्या मिलेगा? पूरे एग्जाम ओरिएंटेड नाम पे पूरा 100% कवरेज, उसके तरह दोस्तों मेरी बुक्स आपको मिलेगी, क्वेश्चन बैंक समरी नोट्स, और सुनो आपको पूरा रिविजन क्लास के साथ करवाया जाएगा, पूरा क्वेश्चन बैंक, पूरा क्वेश्चन बैंक क्लास के साथ करवाया जाएगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपके साथ टेस्ट पेपर का डिस्कशन होगा, जूम कॉल पे सेशंस होंगे, आपके डाउट्स लिए जाएंगे आज और आगे चल के क्लास खत्म होने के बाद भी, एग्जाम तक यू विल हैव माई फुल सपोर्ट। जो मैं तुमको कहता हूँ भाई आया है तो करा के ही जाएगा, बिना कराए नहीं जाएगा, तो भैया वो तुम लोगों को मिलने वाला है। सो दोस्तों दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू थिंक नाउ, एंड यू यू नो दैट द समरी नोट्स नए कोर्स में आने के बाद भी हमारा समरी नोट जो है वो अभी भी 200 पेजेस में है, 100% कवरेज है, इसकी मेरी गारंटी है। और आप लोग ये सारी चीजें सुनने के बाद जैसा आप डिसाइड करें, पर आज या कल में डिसाइड करें, और आपको मेरे से कोई भी हेल्प की जरूरत हो ना, नीचे बस इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपका कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, और आपको जो भी मुझसे हेल्प लगेगी, जो भी मुझसे बन पाएगा वो मैं करके जरूर दूंगा। बी रेस्ट अश्योर्ड मे 24 अपना अटेम्प्ट है और अपन इसको क्लियर करके ही रुकेंगे, उसके बिना नहीं रुकेंगे, ये तुम याद रखना, ठीक है। मैं तो बहुत अग्रेसिव होने वाला हूं, तुम भी मेरे साथ साथ बहुत अग्रेसिव होने वाले हो, और मे 24 वी आर गोइंग टू स्टैक इट, वी आर गोइंग टू नेल इट। ऑलराइट गाइस, ऑलराइट दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप दिस वीडियो गिव्स यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और अपनी जो भी थॉट्स है वो मेरे को कमेंट पे बता देना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस चीज का,
उस प्रोडक्ट का, आप वहां पे जाकर के इसको रजिस्टर कर सकते हैं। और मैं बहुत ही जल्द मिलूंगा 11 तारीख को आपके साथ लाइव सुबह 10 बजे से फॉर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। अंटिल देन दिस इज योर सीए बड़ी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ।